मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल रोक लगाने के बाद अब डीए बढ़ाने का फैसला किया है। महंगाई भत्ता बढ़ने से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली 3 किस्तों से रोक हटा ली गई है। तीनों किस्तों को मिला दे तो कुल 11% की बढ़ोतरी हुई है, यानी अभी डीए 17% था जो 27% हो जाएगा। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की 3 किस्तें आनी बाकी थी, लेकिन कोरोना के दौरान डीए पर रोक लगा दी गई थी। अब डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों को सितंबर से बड़ी सैलरी आने की उम्मीद है। हालांकि अभी इस पर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। डीए का पूरा नाम डर्नस अलाउंस होता है, जिसे महंगाई भत्ता भी कहते हैं। समय के साथ खर्च बढ़ता जाता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे सरकार कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाती है, जिससे देश में महंगाई के साथ कर्मचारियों का घर भी आसानी से चलता रहे। ऐसे में आपके मन में सवाल आएगा कि महंगाई के हिसाब से डीए कितना बढ़ाना है, ये कैसे तय होता है? जवाब है AICPI। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक जिन कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है उनके डीए की गणना भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर होगी।